हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके सो गाइस, ऑडियो वीडियो ऑन किया, फटाफट से बताएंगे. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. दीक्षा, युवराज, माही, शालू, शालू जी, दीक्षा, अविनाश जी, निशी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सभी ऑडियो वीडियो ऑन किया. ओके गाइस, सो फटाफट से वही. एंड गाइस, एक बार सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दो, ऑडियो वीडियो चेक करा दो, लाइक एंड शेयर कर दो. देन स्टार्ट करते हैं सेशन को. और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का, हमारी नई सीरीज प्रहार 2.0 का, जहां पे आप लोगों के लिए अगेन हम लोग जो है बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिल्कुल जीरो बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे. चाहे आपने पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो नहीं किए हो, तो ये सेशन आप सभी को काम आने वाला है. ओके, ऑल क्लियर है? चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. माय नेम इज पूजा वर्मा, और मेरी क्लासेस एंड एकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी होती है. प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके नोटिफाई जो है मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके. इसके अलावा अगर आप पेपर वन या पेपर टू पढ़ना चाहते हैं, यूनिट वाइज स्टडी करनी है, नोट्स आपको बढ़िया तरीके से बनाने हैं, नोट्स अगर आप मेरे साथ मिलके बनाना चाहते हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे अगर आपको ध्यान देना है, देन आप मेरे प्लस क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं. और मेरा रेफरल कोड है पूजा 10 PUJ10. इससे इसे अप्लाई करने से आपको जो है अपने किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके अलावा मेरी और भी फ्री लाइव क्लास होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाके नोटिफाई भी कर ले. और पेपर वन की जो फ्री लाइव क्लास है वो आपकी होगी 8 PM, रात्रि 8 बजे आप लोगों के लिए मैं ये क्लास लेके आऊंगी. इसके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं. कॉम्बैक्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, काफी सारे बैच कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं अकेडमिक लर्निंग ऐप पे. तो फटाफट से अकेडमिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, अपना गोल आपको सेलेक्ट करना है एनटीयू जीएसनेट. और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देन आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे. 12 महीना, 24 महीना सबसे बेस्ट पैक है. आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, और इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स नजर आएगा. तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे पूजा 10 कोड, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. और 12 और 24 को भी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाना चाहें जा सकते हैं. ईएमआई जो है सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, जहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस से रूबरू कराना चाहूंगी कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमें कवर करना है, कौन से एरियाज ऐसे जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं. देखिए टीचिंग जनरली हम सभी जानते हैं, बेसिक सा हमें सबको अंडरस्टैंडिंग पता होती है, बट कुछ पैरामीटर्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें टीचिंग में फॉलो करना होता है, जो हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं. ठीक है, हम इन सब चीजों से अनअवेयर होते हैं, बट हमें पता है कि हम आगे चल के हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो है टीचिंग के पैरामीटर्स के बारे में भी पता होना जरूरी है. मतलब कुछ वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए टीचर बनने के लिए. तो वही सब सिखाने के लिए ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. तो सबसे पहले हम लोग हो जाते हैं हमारे जो है रूबरू हो जाते हैं हमारे सिलेबस से. तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो टीचिंग के कुछ एक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव, जो कि हमेशा इक्वेशन आपको ऑब्जेक्टिव में से नजर आता है. लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत बार आपने सुना होगा, MLT, ULT, RLT, काफी बार हम लोग बात करते हैं. काफी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में आए हुए हैं. इनके प्रोपाउंडर्स कौन थे ये पूछा गया है. मेमोरी लेवल में क्या क्या लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में किस तरीके के लेवल्स होते हैं, कैसे किया जाता है, तो ये सारे आते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या एक अच्छे टीचर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए. तो जनरली क्या होता है, हमें पता रहता है कि टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बट जब बात आ जाती है थोड़ी सी जजमेंट की, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे हमारा जो है काम खराब हो जाता है, क्योंकि हम बायसनेस क्रिएट कर देते हैं, सब्जेक्टिव बन जाते हैं.
तो वही चीज है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारे अडल्ट लर्नर्स होते हैं, अडोलसेंट लर्नर्स होते हैं, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है आता है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एनटीई का जो पैटर्न है ना, एनटीई का अगर पैटर्न की बात की जाए ना, तो एनटीई जो है अभी जो क्वेश्चन दे रहा है वो आपको लेंथी दे रहा है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टफ नहीं आ रहे, लेंथी आ रहे हैं। काफी सारी, जैसे मान लीजिए आपको 5 से 6 या 7 आपको प्रोसेस या फिर स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं, और उनमें से आपको राइट रॉन्ग जो है वो चूज करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टारगेट किया जाए, इन क्वेश्चंस को कैसे अचीव किया जाए, तो वही सब कुछ हम लोग सीखेंगे। टीचिंग एक बेसिक सा सब्जेक्ट है, डोंट वरी, और इसके अंदर काफी सारी चीजें सीखने वाली भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉजिक से हो जाता है, काफी सारी चीजें जैसे कि इवैल्यूएशन सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए, जो लेवल्स है टीचिंग के, मॉडल्स है टीचिंग के, और फॉर्म्स है टीचिंग के, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। मैगजीन्स क्या है टीचिंग के, प्रिंसिपल्स क्या है, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें नहीं पता है। और यहाँ से जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक हमें फिर भी टीचिंग का पता है, बट अंदर से क्या है टीचिंग ये हम लोग समझेंगे, इसके बेस को हम लोग जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत बार गलती कर बैठते हैं। जब भी मैं स्पेशल पे या फ्री क्लासेस में आपके जो क्वेश्चंस लेके आते हैं, उसमें मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वही होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो कुछ एक थ्योरीज है जो कि आपके कोर्स में स्पेसिफाइड नहीं है, द लर्निंग थ्योरीज आपके कोर्स में स्पेसिफाइड नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में यहाँ से आपकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। बाकी हमारे सिलेबस में ये करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, बट फिर भी थ्योरीज जो है हमारी लर्निंग की, काफी सारी थ्योरीज है वैसे तो, बट जितनी भी मेन थ्योरीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवरअप करवाऊंगी। इसके बाद आता है हमारा द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, हमारी टीचिंग को, शिक्षण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस पे भी आपको नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये जो टॉपिक है इस पे भी नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे टीचर रिलेटेड, कुछ फैक्टर्स आते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस ली होगी जो मैं अनअकैडमिक लर्निंग ऐप पे लेती हूँ, तो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मैं करवाती हूँ जहाँ पे आपसे टीचर रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स आते हैं कि टीचर के कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं, टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के कौन से फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को, प्रभावी शिक्षण को जो है वो प्रभावित कर सकती है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे टीचर से रिलेटेड, लर्नर से रिलेटेड, सपोर्ट मटीरियल से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से रिलेटेड, लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उसका एनवायरमेंट जो है, इन सबसे क्या होता है, आपकी टीचिंग जो है अफेक्ट होती है। तो ये सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग की हम लोग बात करेंगे, काफी सारी मेथड्स हैं, जैसे लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है, टीचर सेंटर्ड मेथड होती है आपकी, इसके अलावा ऑनलाइन मेथड्स है, ऑफलाइन मेथड्स है। आपको बता रहे डिजिटाइजेशन के बाद काफी सारी चीजें जो है बदल गई है, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, कुछ गवर्नमेंट जो है रन कर रही है, वो प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए ओपन किए गए हैं, तो उन सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप्स के जितने भी मेथड्स है वो हम लोग बताएंगे। ये आपके जो है, ये वाला टॉपिक जो है ना, आपके दो जगह अच्छे से कवर हो जाता है, एक तो हायर एजुकेशन में और टीचिंग में, दोनों जगह ये जो टॉपिक है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, चाहे आपका स्वयं हो, स्वयं प्रभा हो, मूक हो, जितने भी है वहां से आपके क्वेश्चन बनता है। एंड मेक श्योर कि मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आपको ये जो सारे टॉपिक्स है ये अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड, अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट सिस्टम में जैसे कि आप किन किन चीजों से बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं, हमारे जैसे चौक एंड डस्टर, मतलब चौक एंड बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक बोर्ड जिसे कहा जाता है, ग्रीन बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, तो ये सारे सिस्टम्स जो है
सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर आते हैं, 3D, अगर आप जैसे ग्लोब का ग्लोब दिखा के बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, तो वो सारे मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, क्या क्या इनोवेशन यूज किए जा रहे हैं अब इवैल्यूएशन सिस्टम को लेके, आपको बताया ना, इवैल्यूएशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा क्लियर बनाया जा रहा है, मतलब जो भी रिजल्ट आते हैं वो आप आराम से देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम को क्लियर किया जा रहा है कि आप खुद देख सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वही सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। क्लियर है गाइस? तो आई होप सो आप लोगों को सिलेबस जो है समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये हमारा जो है यूनिट नंबर 1 है, हमारे पेपर 1 की यूनिट नंबर 1 है, वेरी फर्स्ट यूनिट। और इस यूनिट से देखिए, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस हमारे यूनिट से कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फटाफट से बात करते हैं कि हमारा क्या पैटर्न रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए, मैंने आपको बता दिया, कोर्स को हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले देखिए, सिलेबस से दोस्ती होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अगर ये पता रहेगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या जो है पॉइंट्स स्पेसिफाइड है, और अगर हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, देन हम क्या है मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है सिलेबस में क्या है, आपने क्या क्या कवर कर लिया है, तो सबसे पहले आपको फ्रेंडशिप करनी है। किससे करनी है? सिलेबस से। सिलेबस से दोस्ती करोगे, आधा काम आपका, मतलब आधी स्ट्रेटेजी आपकी वहीं पे डेवलप हो जाएगी। अब इससे क्वेश्चंस कितने आते हैं, अब आपको पता है पेपर 1 में आपका वेटेज कितने क्वेश्चंस का है, वेटेज आपके 50 क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन ईच यूनिट आपको स्पेसिफाइड किया गया है। बट देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं, रिसर्च एंड टीचिंग, ये दो यूनिट ऐसे है जहां पे आपको 5 प्लस क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं, 5 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये दो यूनिट आप लोगों की, यूनिट नंबर 1 एंड द यूनिट नंबर 2, ये दोनों यूनिट से आपको 5 प्लस क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर होना जरूरी है। टीचिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, काफी बार आपने देखा होगा आपकी एग्जाम के अंदर डेफिनेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। महात्मा गांधी ने क्या डेफिनेशन दिया था एजुकेशन को लेके, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या डेफिनेशन दिया था, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनके की पॉइंट्स के बारे में आपको अवेयर कराया जाएगा कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे अच्छे से कैच कर सके। तो चलिए बेसिक से हम लोग जो है स्टार्ट करें कि टीचिंग क्या होता है। अब सबको पता है भाई टीचिंग क्या होता है, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं टीच कर रही हूँ, बट क्या यही टीचिंग होती है क्या? ओके, भाई क्या बात हो गई, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अश्विनी जी बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा वेरी फर्स्ट यूनिट है। चलिए चलिए भाई, मतलब मैंने कौन सी शायरी बोल दी भाई, चलो तो भाई रूबरू होते हैं, सिलेबस से रूबरू हो गए हैं, तो चलिए अब इसके अंदर गोते खा लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेसिक्स के अंदर हम उतर जाते हैं और इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी ना, तो बड़े ही कमाल आंसर मुझे देखने को मिलेंगे। आधे तो बोलेंगे कि वो मैडम पढ़ा रही थी ना, वही टीचिंग कर रही थी बस। तो इन सबको देखते हुए मैं खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग डिराइव फ्रॉम टू टीच, देखिए टीचिंग का मतलब होता है टू टीच, विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग का मतलब होता है टू टीच। ठीक है, किसी को सिखाने का अर्थ है निर्देश देना, टीचिंग का मतलब सिखाना होता है, सिखाने का तात्पर्य होता है निर्देश देना।
मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग में ही एग्जाम्पल दे देती हूँ कि टीचिंग अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि क्या मीनिंग होता है टीचिंग का। मैं मीनिंग आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि आपको इस मीनिंग को इसी तरीके से समझना है। अपनी पर्सनल मीनिंग्स हम नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि पढ़ाने का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्ट करना। मैं यहाँ पे आपको आ रही हूँ, आपके सामने आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ और आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं। मैं इंस्ट्रक्ट भी कर रही हूँ और आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे शिक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? शिक्षण हो रहा है, सही है? चलिए, हाँ रूबरू हो गए भाई, रूबरू तो करवा दिया है मैंने, तो चलिए। अच्छा, जो लेट आया है वो अभी भी रूबरू ही हो रहे हैं शायद मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग का बेसिक सा मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई टू टीच या फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करना क्या हो जाता है, क्या कहा जाता है, उसे टीचिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, उसे भी शिक्षण कहा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी क्या कहते हैं हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, मतलब मैं आपका शिक्षण कर रही हूँ। जब कोई भी माता अपने पुत्र या पुत्री को ये बताती है कि कोई भी घर के अंदर बड़ा है तो आपको उसको नमस्ते करना है, जय करना है, या जो भी आप करवाते हैं कि भाई पैर छूना है, जे करना है, मतलब जो भी है आपके करवाते हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया होगा, तो उसे भी शिक्षण कहा जाता है। मतलब मैं आपको किसी भी चीज से अवेयर करा रही हूँ तो उसे शिक्षण कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि देखो आपको ये नजर आ रहा है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा कोर्स है। मैं आपको किसी चीज से अवेयर करा रही हूँ, मतलब मैं आपका शिक्षण कर रही हूँ। अब देखो शिक्षण जो है ना, आपको बताया ना फॉर्मली और इनफॉर्मली, मतलब एक फॉर्मल वे, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको फॉर्मली पढ़ा रही हूँ, तो ये भी शिक्षण होता है। जो आपकी माता पिता आपके बड़े आपको सिखाते हैं वो भी शिक्षण ही होता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण एक वृहद, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो चारों तरफ चल रहा है प्रकृति में, हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक हमारा शिक्षण कभी नहीं रुकता है। आपने ये कहावत हमेशा सुनी होगी कि सीखना कभी बंद नहीं होता, ठीक है? सीखना कभी बंद नहीं होता है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हम रोज कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, चाहे हमारे एनवायरमेंट से सीखो, चाहे हमारे कोर्सेज से हम लोग सीखते हैं, मतलब सीखना हमारा कभी बंद नहीं होता है। तो वही क्या कहा जाता है, उसे ही शिक्षण कहा जाता है। तो शिक्षण जो है, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। और कई बार एग्जाम में, मतलब इसी पॉइंट पे एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, दो चार पांच लाइनें आपको दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि शिक्षण क्या है बताइए जल्दी से। क्या शिक्षण फॉर्मली होता है, मतलब जो टीचर पढ़ाता है क्या उसी को शिक्षण बोला जाता है? नहीं बाबा, जो हम हमारी टीचर हमें बता रहा है, चाहे हमारे दोस्त हमें सिखा रहे हो, चाहे हमारी फैमिली सिखा रही हो, चाहे हमें नेचर ही कुछ सिखा रहा हो, वही सब हमारे शिक्षण के अंदर आ जाता है। ओके, नाउ क्लियर गाइस? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे एक पर्सन है, ये एक हमारे इंडिविजुअल है, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है। चलिए अब ये कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से ये सीख सकते हैं, ये कहाँ से सीख सकते हैं, इनका शिक्षण कैसे, इनको जो है शिक्षा करनी है, लर्निंग इन्हें करनी है, इन्हें पढ़ना है भाई, इनका बहुत ही ज्यादा पढ़ने के लिए क्यूरियस है ये पर्सन। तो आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये अपने टीचर से पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, और ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, फैमिली से भी ये पढ़ सकते हैं, किससे पढ़ सकते हैं, ये अपनी फैमिली से भी पढ़ सकते हैं, ये और किससे पढ़ सकते हैं, ये अपने फ्रेंड से भी पढ़ सकते हैं, ये अपने फ्रेंड से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। क्या सोसाइटी भी सिखाती है? बिल्कुल सिखाती है, ये अपने सोसाइटी से भी सीख सकते हैं। क्या नेचर सिखाता है?
बिल्कुल, नेचर तो बहुत ही अच्छे से सिखाता है। नेचर तो भाई हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। नेचर बदलता है, हम भी बदलते हैं। और महात्मा गांधी जी ने कहा है, बदलाव ही जीवन है। जो इंसान अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है, वही जो है इस संसार में जीवित रह सकता है। बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने कही थी और मुझे भी बड़ा मजा आया ये लाइनें पढ़ के, और आई होप सो आपको भी ये लाइनें सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल सही है। हाँ, ये इंडिविजुअल है, ये बहुत जगह से सीखता है। और कुछ एक प्राणी और है जो इसे सिखाते हैं, जैसे कि भाई वाइफ ने सिखाया है इसकी, या इसके स्पाउस ने इसे कुछ सिखा दिया है। तो ये तो भाई अलग ही लेवल के लोग होते हैं, इनका शिक्षण तो सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। तो ये जो है, ये अपने स्पाउसेस से भी, अगर लड़का है ये तो भाई गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ सिखाती है, और अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड भी आपको सिखाते हैं। तो ये तो भाई बहुत ही बेहतरीन किस्सा है लाइफ का, और ये तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। ये लोग जो है पूरे शिक्षण पे पानी फेर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सारे शिक्षण पे पानी फेर देते हैं, ऐसा कि काफी जगह हमें सुनने को मिलता है। तो चलिए, इसको छोड़ते हुए बाकी के फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बात है अंजू जी। सुबह सुबह टीचर, फैमिली, नेचर, सोसाइटी, फ्रेंड्स, पड़ोसी, अरे पड़ोसी और स्पाउस भी याद रखना भाई, ठीक है? तो हम हर जगह से सीखते हैं ना। ये तो भाई, इन्हें तो गुरु पूर्णिमा पे विशेष जो है मतलब विशेष फील कराया जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो भाई जोक सपाट था, मजाक कर रहे थे, कोई सीरियस मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। टीचिंग इज अ बायपोलर प्रोसेस। देखो, सबसे पहले आती है हमारी टीचिंग इज अ बायपोलर प्रोसेस। टीचिंग जो एक बायपोलर प्रोसेस है। तो क्या बायपोलर प्रोसेस है, बताइए फटाफट से। तो ये जो है, ये इसकी नैरो मीनिंग है। नैरो मतलब एक, आप कह सकते हैं नैरो माइंडेड पर्सन किसे कहते हैं, छोटे सोच वाले पर्सन को, मतलब एक छोटी सी परिभाषा में अगर बोला जाए तो टीचिंग जो है ना एक बायपोलर प्रोसेस है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे आपके कौन कौन है, टीचर और स्टूडेंट, दो ही पर्सन यहाँ पे होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे बायपोलर प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायपोलर प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। ये भी एग्जाम में, देखिए छोटे छोटे ये पॉइंट्स जो है आपको छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, बट इनसे भी काफी कमाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या टीचिंग एक बायपोलर प्रोसेस है। अगर बायपोलर प्रोसेस है तो जो है इनमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, तो बायपोलर प्रोसेस में ध्यान रखिएगा टीचर और स्टूडेंट होता है। और अगर ट्राईपोलर प्रोसेस बोला जाए तो यहाँ पे हमारे तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम भी हमारे एड ऑन हो जाता है, या फिर सोसाइटी भी हो सकता है। अब देखिए इसी जो है कर्टाइल प्रोसेस के, मतलब जो है ट्राईपोलर के बाद इसे क्वांटाइल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? क्वांटाइल प्रोसेस के रूप में भी, मतलब चतुर्थक प्रोसेस भी आप कह सकते हैं इसे। तो ये चतुर्थक कैसे हो जाएगी, जब आप सोसाइटी को अदरवाइज ले लोगे ना, सोसाइटी को एक चौथा पहलू बना दोगे, तो ये जो है कर्टाइल प्रोसेस भी बन जाती है, ठीक है? ओके गाइस, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। अब ये जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो टीचिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब आपकी जो टीचिंग है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन में, शिक्षा में ये बहुत ही प्रभावी जो भूमिका है वो निभाता है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए टीचिंग से जो है आपको आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है, आपको शिक्षा मिलती है, और उस शिक्षा का उपयोग करके आप मैनकाइंड को या मानव विकास में जो है भाग करते हैं, मतलब मानव विकास में ये आपके मदद करता है आपकी शिक्षा। तो शिक्षा देखिए बहुत ही अहम पहलू है। आप जब आपको टीच मतलब आप पढ़ेंगे तभी तो आप रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करेंगे तभी तो मानव विकास होगा, मानव उत्थान होगा, ठीक है? और नेक्स्ट आपके आता है इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग
एंड स्किल्स, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन है जो हमारी टीचिंग है उसका है नॉलेज को इम्पार्ट करना, आपको शिक्षित करना, आपका डेवलपमेंट करना, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और स्किल ये सबको डेवलप करना। और इसी पॉइंट पे कई बार एग्जाम में जो है आपके स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार इस टॉपिक पे कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद टीचिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर भी आपको टीच कर रही हूँ तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। टीचिंग कभी भी अकेले नहीं होती है, दो या दो पर्सन की जरूरत होती है। अगर आपने देखा होगा एकलव्य जी जो थे हमारे जिन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, ध्यान है, तो वो भी अकेली नहीं थी, उन्होंने अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने जो है उन्होंने शिक्षा मतलब शिक्षण लिया, मतलब उन्होंने चाहे फिजिकली हो या फिर किसी भी वे में एक पर्सन को अपने साथ रखा और फिर जो है शिक्षा ली, ध्यान है ना। ओके ओके क्लियर है ना। एंड या गाइस प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। देखिए एक बहुत ही फेमस कहावत है, भोजन और भजन हमेशा एकांत में किए जाने चाहिए, भोजन और भजन हमेशा एकांत में किए जाने चाहिए तभी सही रहता है, ठीक है। चलिए आज का ज्ञान समाप्त, चलो आ जाते हैं हमारे जो भी पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आ जाते हैं। जी जी वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे मतलब टीचिंग के लिए एक या एक से ज्यादा लोगों का होना क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए तो वो इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडिया, ठीक है, लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। देखिए जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे अंदर आइडिया जनरेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी बहुत कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर टीचर करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, ठीक है। मतलब जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है ना उसमें लर्नर टीचर करिकुलम और जितने भी जो है अरे भाई क्या हो गया, चलिए तो यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारे टीचिंग की प्रोसेस होती है ना जिसमें लर्नर आते हैं, टीचर्स आते हैं, करिकुलम जितने भी अदर वेरिएबल्स आते हैं, इन सभी को इसी वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में रखा जाता है कि हम अपने गोल को अचीव कर सके, प्री डिटरमाइंड गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। टीचिंग में देखिए क्या इंक्लूड किया जाता है, टीचिंग में वो सब एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि आपको एजुकेट करने में मदद करती है, ठीक है। फिर आता है थ्रू द टीचिंग द टीचर एम्स एट, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इसका टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एग्जाम में मैक्सिमम बार क्वेश्चन आता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे टीचिंग के, Objectives of teaching, and this is very very important, guys. ध्यान से पढ़ेंगे इसे। चलिए, तो यहाँ पे giving some knowledge to student, मैं main points को आपके लिए highlight कर रही हूँ। और देखिए guys, अगर आप notes बनाने चाहते हैं तो आप इन जो भी topic में करवा रही हूँ आप बहुत ही अच्छे से इनके notes बना सकते हैं, ठीक है। काफी सिंपल और आप कह सकते हैं कॉन्साइज वे में ये टॉपिक मैं आप लोगों के लेके आ रही हूँ। डेली क्लास होती है, डेली क्लास में आओ, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से और वीडियो को दो तीन बार देख लो, अपने आप सारे डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पासिंग सब इंफॉर्मेशन टू दैम, इंफॉर्मेशन पास करना बिल्कुल सही है। मेकिंग द स्टूडेंट्स एक्वायर सम स्किल्स, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स है उन्हें स्किल्स इम्पार्ट करना जो है टीचिंग का उद्देश्य है। चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, एटीट्यूड ऑफ द लर्नर जो है उसको बदलना और मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बिहेवियर को मॉडिफाई करना और गिविंग सम एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, मतलब उन्हें एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, ये सभी जो है शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये समझा कि टीचिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया।
फिर हमारे पॉइंट आया कि टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे शिक्षण के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? अदिति द्विवेदी जी बोली क्या बात है मैम, आप आईपीएल मैचेस देखती है क्या? एक ही जी, क्या आपको लग रहा नहीं है कि यहाँ पे जो है टीचिंग हो रही है, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और आप आपको आईपीएल की पढ़ी है? और वैसे मैं बता दूं, आई थिंक सो मुझे मैच वैच देखना ज्यादा पसंद है नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता है। आई होप सो इस जवाब से आप खुश हो गए होंगे। आईपीएल मुझे नहीं पता किस टीम में कौन है क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच वैच के अंदर। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, अब खुश है आप? तो स्टॉप मैसेजिंग अगेन, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर देंगे भाई। क्यों ब्लॉक होना चाह रहे हो? पढ़ने आए तो पढ़ लो, ब्लॉक होके क्या मिलेगा? करेक्ट है? चलो जी बिल्कुल मिस्टर अली, डेली नहीं होगी क्लास। देखिए हमारी जो क्लास है ना, ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, 3 दिन में आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगी। वीक में ये 3 क्लासेस होगी हमारी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और संडे को आप लोगों के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आऊंगी, जहां पे पेपर 1 के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन मेरी क्लास होगी, और क्लास का टाइमिंग रहेगा हमारा 8 AM मॉर्निंग 8 AM ऑल्टरनेट। देखो ऑल्टरनेट डेज हमारी जो है क्लास चलेगी, एक दिन आपकी जो रिसर्च है वो होगा, एक दिन टीचिंग होगा, तो इस तरीके से चलेंगे। और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं कृतिका मैम, शिव सर, अदिति मैम और सिमर मैम, प्रखर सर, सभी आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट डेज वीडियोस लेके आएंगे, क्लासेस लेके आएंगे, ताकि हर दिन आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सके और इनफ आपको टाइम मिल सके। इसलिए जो है ये नई स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आई गई है। चले जी, चले 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 चले, मैं मेरा भी सुनी। अरे अदिति द्विवेदी जी बोलिए भाई, क्या सुनना है आपका? चले, अरे भाई कौन सा फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट सिमिलर है? नहीं नहीं कुछ भी सिमिलर नहीं है। कौन बोल रहा है? माही जी अलग अलग है। अरे तो भाई मैम मैम कर रहे हो, बोल तो रहे हो नहीं कुछ। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्या होता है, आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मेरी बात अच्छे से सुनेंगे, अब मेरा टर्न आ गया है, अब मैं बोलूंगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग के बारे में कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो आपके क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको बताना है विच इज द मेन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और ये कई बार मैंने क्लास में बताया है, जब भी मैं क्वेश्चन करवाए है ना, तब मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो फटाफट से मुझे आंसर करेंगे, जिन्होंने भी क्लास लिया है, क्लास में कंटिन्यू थे, वो फटाफट से बताएंगे व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। फटाफट से बताइए, अदिति द्विवेदी जी बोल रही है, मैम ये बोल रही हूँ टीचिंग के मेरे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। कोई बात नहीं अदिति जी, इस क्लास के बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मेरी बात को आप अच्छे से सुनते जाइए, अंडरस्टैंड करो। देखो बात क्या होती है, बात होती है अंडरस्टैंडिंग, और मैं आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हूँ कि समझिए शिक्षण क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझेंगे, समझ आएगा। क्वेश्चंस मैं आपको फ्री क्लास में करवाऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए डेली रात को 8 बजे 8 PM में आप लोगों के लिए लेके आती हूँ अकेडमी की लर्निंग ऐप पे। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, नोटिफाई में जरूर कर लेना, ताकि आप ऑन टाइम क्लास को ले सके, वरना फिर नोटिफिकेशन आता नहीं और आपकी क्लास मिस हो जाती है, आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मैम समझ नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे मिलेंगे क्वेश्चंस।
ओके सो यहाँ पे आ रहा है मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, वेरी गुड, पीसफुल जीवन, ये बस यही ने इन्हीं ने मेरी बात सुनी है, वेरी गुड एलन मस्क, दीप, नेहा, वेरी गुड, बहुत ही खुशी हुई मुझे देख के कि काफी बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं जो रेगुलर थे मेरी क्लासेस के अंदर। नहीं, एटीट्यूड जो है प्रिया भारद्वाज जी, एटीट्यूड जो होता है ना ये आपका सेकेंडरी होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना इसको, और नोट्स जो भी बना रहे हैं इस पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन करके इसके ऊपर एक सितारा लगा लेना मेरी तरफ से कि ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग, बाकी सभी उद्देश्य होते हैं शिक्षण के, बट दिस इज द मेन एम ऑफ टीचिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, काफी बच्चों ने, चलिए आगे चलते हैं, आगे अब देखिए कुछ ही डेफिनेशंस है जो कि काफी फेमस प्रोफेसर्स ने दी है, जैसे कि एचसी मॉरिसन ने दी है, गेज ने दी है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ एक टीचिंग की डेफिनेशन दी है जिन्हें हम लोग सिर्फ गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये टीचिंग के डेफिनेशन जो है हमारी इतनी आती नहीं है, बट जस्ट फॉर ए नॉलेज सेक या एक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मॉरिसन ने कहा है टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर पर्सनैलिटी, लेस मेच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर एजुकेशन ऑफ द लेटर, ठीक है, ये उन्होंने बोला है कि इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है जिसमें एक मेच्योर पर्सनैलिटी एक इमेच्योर पर्सनैलिटी को जो है एजुकेट करती है। तो और गेज ने कहा है, एनएल गेज ने कहा है कि टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, चेंजिंग द बिहेवियर एंड द पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू अवेक जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड नॉलेज, ये किन्होंने कहा है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने अभी डेफिनेशन दी है। ओके चलिए आगे चलते हैं, सिर्फ गो थ्रू कर लेना, लेस इंपॉर्टेंट है। अब नाउ द इम्पोर्टेंट जो पार्ट हमारा आ चुका है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 बजे से शुरू हुई है सैफ उल्हा जी, 8 बजे स्टार्ट हो जाती है हमारी क्लास, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 3 दिन आपके लिए मैं क्लास लेके आती हूँ सुबह 8 बजे। एंड प्लीज गाइज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर प्लीज करिएगा, ठीक है। चलो आते हैं, चलिए मेन पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं फटाफट से। अभी दिखा रहे हैं शिवम जी, मेरे पीछे के नाम भी दिखा देंगे आपको, चिंता ना करें, पहले ऊपर वाले नाम देख ले। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोपोनेंट्स जो है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, देखो आपने कई बार मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं जहाँ पे आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी ने जो है एजुकेशन और टीचिंग के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक है, शिक्षा और शिक्षण के संबंध में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, या रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे, सर अरविंदो जी के क्या विचार थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, जे कृष्णमूर्ति, जॉन ड्वेई, मरिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबल एंड इनके मतलब क्या विचार थे शिक्षा को लेके, शिक्षण को लेके, तो इनके बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं। अरे हाँ जी, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग जी, बिल्कुल मैं साइड हो जाऊंगी, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए भाई मतलब एक ही बात ये कह रहे मैम आपके पीछे के नाम, ऊपर वाले तो बता देने दो, पीछे वालों की पढ़िए बताओ। चलो तो महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा है शिक्षा को लेके, इन्होंने बोला बेसिक एजुकेशन,
इन्होंने जो है बेसिक एजुकेशन के बारे में बोली थी, जो कि वर्धा एजुकेशन सिस्टम, अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ते हैं ना तो वहां पे वर्धा एजुकेशन सिस्टम आता है। वहां पे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बेसिक एजुकेशन जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन द नेचर एंड द फॉर नेचर टेक्स प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। ये हमें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि शिक्षा, मतलब जो हमें शिक्षण मिलता है ना, ठीक है, मतलब जो हमारा अधिगम होता है वो नेचर से और नेचर में होता है, नेचर से ही होता है। इन्होंने ये कहा था। ओके, फिर उसके बाद सर अरविंदो जी ने, श्री अरविंदो जी ने कहा था कि शिक्षा जो है ना ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशन जो है हमारे लिए होती है, इंटीग्रल होती है, मुख्य होती है, मेन होती है। फिर उसके बाद राधा कृष्णन जी ने कहा था, अच्छा, सर्वपल्ली, श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने कहा था कि फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने कहा था। और एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये किन्होंने कहा था, ये कहा था हमें जॉन ड्वेई ने कहा था हमें, ठीक है, जॉन ने कहा था हमें ये हमें। और एक्सपेरिमेंटल, अब बताइए जॉन के आगे तो जी भी नहीं लगा सकते, बड़ा अटपटा सा नाम लगता है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, मिस्टर जॉन ने कहा था इसीलिए इनके नाम के आगे मिस्टर लगता है, सूट नहीं करता पता नहीं क्यों। चलिए, तो मिस्टर जॉन ने ये हमें कहा था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो ये हमें जॉन ने कहा था, मिस्टर जॉन ने। चलिए नेक्स्ट है, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये किसने कहा था, मॉन्टेसरी ने कहा था, जो कि प्राइमरी स्कूल के बारे में इन्होंने जो है प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं आप, इन्होंने प्रपाउंड किया था, मॉन्टेसरी, ठीक है। इसलिए प्राइमरी स्कूल्स जो होती है ना, मतलब प्ले ग्राउंड वगैरह जो होते हैं ना, उन्हें मॉन्टेसरीज के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेसरीज भी उन्हें कहा जाता है, पता है ना। ओके, चले नेक्स्ट है, किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉर्पोरेशन। मतलब किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, ये फ्रोबेल ने दिया था, किन्होंने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। सतीश जी, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जो है इनको एज इट इज इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको ये प्रॉब्लम करेगा अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे। चलिए, और अभी मैं साइड में हो जाती हूँ, अब मेरे पीछे का नाम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, ठीक है, नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, ये दिया था रोसियो ने, ठीक है, इन्होंने दिया था, बड़े अजीब से नाम है, ठीक है, तो देख लीजिएगा लास्ट वाला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी की जो है ये आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे, सर श्री अरविंदो जी के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनके क्या विचार थे, मॉन्टेसरी का भी इम्पोर्टेंट है, फ्रोबेल का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ये सब जो है इन्होंने किन्होंने दिया था। मैम एक्सप्लेन इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल देखिए आत्म शिक्षण इसे कहा जाता है, इनका क्वेश्चन था ये, अमन जैन, देखिए इसे आत्म शिक्षण के रूप में भी जो है संदर्भित कर सकते हैं, अभी नजर आ रहा है क्या, मेरे पीछे का नजर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, पीसफुल जीवन जी, 1 बजे क्लास होती है कॉमर्स की, कॉमर्स की 1 बजे क्लास होती है, और आज की क्लास में हम लोग जो है बिजनेस फाइनेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिजनेस फाइनेंस वाला जो यूनिट है हमारा वो स्टार्ट कर देंगे 1 बजे। लो भाई देख लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है, चले क्या आगे, एक बार फटाफट से बताइए यस नो करके,
क्लियर है क्या? दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एजुकेशन सिस्टम, और ये आपको ध्यान रखना है, इनके प्रोपोनेंट्स कौन है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अरे क्या नहीं समझ आया गौतम जी? नो फॉर्मल लर्निंग के बाद नीचे लिखा है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नेचर इज द ओनली टीचर, ये लिखा है। नो फॉर्मल लर्निंग कॉमा नेचर इज द ओनली टीचर। नो फॉर्मल लर्निंग कॉमा नेचर इज द ओनली टीचर। अभी क्लियर है? अभी ठीक है सबका? अब मैंने लिखा दिया। चलो चलो चले चले, कहाँ चलना है कृष्णा जी, कृष्णा दुबे जी कहाँ चले भाई? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग देख सकते हैं। The characteristics of teaching. Teaching is an interactive process. देखो आपसे ना बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या टीचिंग एक इंटरक्टिव प्रोसेस है, क्या टीचिंग फॉर्मल होती है, क्या टीचिंग इनफॉर्मल होती है, या फिर टीचिंग बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है। तो दीज पॉइंट्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना सभी मित्रों, सभी साथियों मेरे, ठीक है, मेरी सभी बहने, और सभी ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टीचिंग आर्ट क्राफ्ट एज वेल एज साइंस, देखो साइंस और आर्ट दोनों होती है। साइंस कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को सिस्टम के रूप में फॉलो किया जाता है, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। टीचिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और आर्ट कैसे है? आर्ट कैसे है भाई? सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरी पढ़ाने का तरीका अलग है, और अगर आप किसी और टीचर से पढ़ते तो उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो टीचिंग आर्ट भी है और साइंस दोनों होती है, ठीक है। जी बिल्कुल शीता जी, बिल्कुल, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके का होता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें। टीचिंग इज नॉट वन साइडेड, टीचिंग एक साइडेड मतलब एक तरफा नहीं होती है, बिल्कुल सही है, दो तरफा है, एक तरफ आपके टीचर्स खड़ा होता है, एक तरफ आपके स्टूडेंट खड़ा होता है, तभी क्या होता है, तभी शिक्षण होता है, एक तरफ आपके लर्नर होता है। तो मतलब एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा प्रक्रिया है। टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, टीचिंग जो है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, डिपेंडेंट एक्टिविटी है। देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और हम बताए इन्हीं लाइन्स पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इन्हीं लाइन्स पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे जो है टीचिंग एक तरफा प्रोसेस होगी, दो तरफा कैसे है, या फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। मुझे तो लग रहा है टीचिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और हमें लगता भी ऐसा है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो हमें ऐसा लगता भी है कि यार ये तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, ठीक है, बट इसके अंदर नॉट वाला कैसे करेक्ट हो गया? तो भाई इसीलिए तो वहां डिपेंडेंट कैसे है टीचिंग, भाई टीचर जो है किसे पढ़ाएगा मुझे बताओ? एक टीचर क्या अकेले पढ़ा लेगा? अरे भाई अपने स्टूडेंट को ही तो पढ़ाएगा, मतलब ये अपने स्टूडेंट पे निर्भर करता है। अब मेरे को बताइए, मैं आपके लिए क्लास लेके आ रही हूँ, तो आपके लिए क्लास के अंदर मैं आपका होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो टीचर क्या होती है? टीचिंग क्या है? एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात की जाए। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दिस इज द टीचिंग मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट समय समाप्ति का मुझे एहसास हो गया है।
समय भाई आज का समाप्त हो गया है और ये नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द टीचिंग मॉडल्स। जो है हमारे दो बेसिकली टीचिंग के मॉडल्स होते हैं, एक हमारे है पैडागॉजिकल और एक हमारे है एंड्रागॉजिकल। दो मॉडल्स होते हैं हमारे टीचिंग के, पैडागॉजिकल एंड एंड्रागॉजिकल। अब ये क्या मॉडल्स है इनके बारे में हम लोग कल की कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय समाप्ति का हो गया है, समय हमारा आज का समाप्त हो गया है इस वजह से। ओके 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 वेरी गुड। वेरी गुड माही, वेरी गुड। तो चलिए गाइस बाकी की चर्चा कल कंटिन्यू करते हैं। एंड आई होप सो गाइस आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो और समझ आया हो आप लोगों को। बाकी कोई विशेष टिप्पणी आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और इसके साथ साथ मेरी फ्री क्लास एंड अकेडमी की लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे आज मैं जो है आपसे रिसर्च के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, और इस क्लास का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे नोटिफाई भी कर लीजिएगा। और ये रिसर्च की क्लास है जो आपकी शाम को 8 बजे होगी, 8 PM आपकी फ्री रिसर्च की क्लास होगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और अगर आप न्यू लर्नर है देन इस फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए इनवाइट कोड लगा दीजिएगा पूजा10, PUJA10 कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस। आप अप्लाई करेंगे तो आप अनअकैडमी की किसी भी क्लास को अनलॉक भी कर सकते हैं और किसी भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। ये मेरा रेफरल कोड है, इसे लगाना ना भूले। ओके पूजा10 ना कोई दूजा 10, ठीक है। ओके कृष्णा दुबी जी धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सभी को सो मच, थैंक यू थैंक यू। नाइस टीचिंग है आपकी, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। क्लास के देखो, क्लास के स्टार्टिंग और क्लास के एंड में आपको जो बात करनी हो करा करें, बट क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट मत किया करो, क्योंकि फिर है ना वो पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों का मजा नहीं आता है। आपको भी डिस्टर्बेंस होता है, मुझे तो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे अगेन एंड अगेन कॉमेंट्स भी आप लोगों के लिए रीड करने होते हैं कि किसी का कुछ जेन्युइन क्वेरी जो होती है वो स्किप ना हो जाए, इसलिए मुझे आपके कॉमेंट्स पे भी ध्यान देना होता है। तो मेक श्योर कि आप जो है बातें बातें क्लास के एंड में या स्टार्टिंग में कर लिया करो। माही जी बोल रही है मैम जी रियली आज पता ही नहीं चला, 1 आवर हो गया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आज तो मुझे भी पता नहीं चला। थैंक यू जी भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग, नाम बड़े गजब रखते हो आप लोग, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा विभाग। अच्छा जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ठीक है भाई, ओके गाइस थैंक यू सो मच। इवनिंग में मिलते हैं पेपर 1 में, और इसके अलावा पेपर 2 की जो फ्री क्लास है यूट्यूब पे वो आपकी होगी 1 PM, 1 PM पे होगी कॉमर्स की। और आज जो हम लोग बिजनेस फाइनेंस वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का यूनिट हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।